देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है वेस्ट बंगाल में, और ये छोटे मोटे लोग, घिसे पिटे लोग, टूटे लोग, ये टिकट बेचने वाले लोग कहीं आते और जाते रहते हैं, बिना पेंदी के लोटा की तरह लोंगड़ाते रहते हैं, इनसे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ अब कहीं ना कहीं हाथ मिला चुके हैं और ये कह चुके हैं कि आरजेडी का पूरा समर्थन रहेगा तृणमूल कांग्रेस को। बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या ऐसे में तेजस्वी यादव जब ममता बनर्जी के साथ हाथ मिला चुके हैं तो क्या बीजेपी को एक झटका लग सकता है? बीजेपी को क्या पटकनी देने के लिए जो योजनाएं बना रही है टीएमसी और आरजेडी, क्या उसमें वो कामयाबी पाएगी? ऐसे में बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव से जब हमने बातचीत की है, बिहार विधान परिषद से जब वो निकल रहे थे, उन्होंने कहा है कि ये वहाँ टिकट बेचने गए हैं, ये गालियाँ देते रहे हमें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या कुछ करें, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है वेस्ट बंगाल में, और ये छोटे मोटे लोग, घिसे पिटे लोग, टूटे लोग, ये टिकट बेचने वाले लोग कहीं आते और जाते रहते हैं, बिना पेंदी के लोटा की तरह लोंगड़ाते रहते हैं, इनसे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाला है। कहा है, ममता बनर्जी भी कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है, आगे सत्ता उनको मिलनी है। वो एक दूसरा दोनों को अपना बड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ममता दीदी अपने राज्य को बचा लें, और ये जो टूटे फूटे लोग के जाने से उनको दो चार गो टिकट मिलेगा, वो अपना खरीद बिक्री करेंगे, अपने बाजार भाव को बनाएंगे। कहीं कोई मतदाता इन लोगों के न पक्ष में था, है और न रहेगा। ये समाज चलाने वाले, देश चलाने वाले, राज्य चलाने वाले के साथ मतदाता रहते हैं, परिवार चलाने वाले और सुविधा भोगी के साथ मतदाता नहीं रहते। लेकिन बंगाल में जाके कह रही है कि बीजेपी का फुल फॉर्म है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झूठा पार्टी है, तो इससे बच के रहिएगा। अरे, उनको वह कह ही सकते हैं, वो गाली देने के सिवाय दूसरा कोई काम कर सकते नहीं है। वो चूंकि पढ़े लिखे अधिक हैं, इसलिए भाषाओं पर उनका नियंत्रण है, वो गाली दे सकते हैं। जिसके दामन में 100 दाग हो, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्या हश्र हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी ऐसे विचारधारा की पार्टी को यह कहते हैं, तो यह उनकी सोच है। तो आपने सुना नवल किशोर यादव क्या कुछ कह रहे थे मीडिया से मुखातिब होते हुए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, सभी साथ आ जाएं, लेकिन अंततः जीत बीजेपी की ही होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के साथ मुलाकात कर चुके हैं, मीटिंग हो चुकी है, कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। ऐसे में तेजस्वी यादव तो जहां बीजेपी पर का हमला बोल रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी भी पूरे रंग में दिख रही है, तो क्या ऐसे में बढ़ता हुआ ये जो गठजोड़ है ममता बनर्जी का और तेजस्वी यादव का, क्या ये बीजेपी को हराने में काम आएगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लगाकर। धन्यवाद।